हेलो फ्रेंड, जैसा कि आपने मेरी पहले वीडियो में क्लास 10th 7 चैप्टर ज्योमेट्री वाला चैप्टर है हमारा, इसमें से मैंने आपको बेसिक फॉर्म में करा दिए थे। तो आज हम इस पे क्वेश्चन करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे। 7.1 पे पहला फ्रेंड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, वो कह रहा है आपसे फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट। आपको यहां पे डिस्टेंस निकालनी है फ्रेंड। पहले क्वेश्चन में 3 पार्ट दिए हैं, मैं आपको सारे पार्ट करा रहा हूं। तो फ्रेंड फाइंड डिस्टेंस, मैंने बताया था आपको डिस्टेंस का फॉर्मूला अपनी वीडियो में। तो फ्रेंड मान लो आपके कोई ये पॉइंट है, ये ए पॉइंट है आपका और ये कोई बी पॉइंट है। आपको दे रखे हैं ए पॉइंट कितने 2 और 3 दे रखे हैं फ्रेंड, और बी कितने रखे हैं आपको फ्रेंड 4 और 1। और वो आपसे कह रहा है कि फाइंड द डिस्टेंस। तो फ्रेंड बताया था आपको डिस्टेंस का फॉर्मूला, ए बी की डिस्टेंस निकालनी है। ए बी डिस्टेंस फॉर्मूला फ्रेंड बताया क्या होता है, मैं आपको x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ये आपका फॉर्मूला था फ्रेंड डिस्टेंस का, मैं बताया था आपको पिछले वीडियो में। अब इसी फॉर्मूले पे खाली क्या होगा, आपको वैल्यू पुट करनी है। तो आपका ये फ्रेंड होता है हमेशा अपनी सहूलत के लिए, यहाँ पे x1 y1 x2 y2 आप लिखोगे तो आपको फ्रेंड हमेशा ये पता रहेगा कि आपके पास x1 क्या है x2 क्या है, तो इजीली बंदा आप पुट कर सकते हो, तो कोई दिक्कत नहीं होती आपको। तो फ्रेंड अब देखते हैं यहाँ पे x1 क्या रहना आपके पास 2 रख दिया आपने, माइनस का साइन था माइनस लगा दिया। x2 क्या रहना आपके पास 4, तो आपने यहाँ पे 4 रख दिया, ब्रैकेट क्लोज का होल स्क्वायर, ठीक है फ्रेंड। अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला आगे बढ़ते हैं, प्लस है y1 फ्रेंड आपके पास 3 है, माइनस है फिर, और y2 आपके पास 1 है, ये आपका होल स्क्वायर, ठीक है फ्रेंड। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड, फ्रेंड प्लस माइनस 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 का 2 बचेगा, माइनस के 2 का फ्रेंड होल स्क्वायर प्लस, और फ्रेंड 3 बन गया तो 2 बचेगा, 2 का फ्रेंड होल स्क्वायर। फिर आगे बढ़ते हैं फ्रेंड, माइनस 2 का होल स्क्वायर 4, और यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4, तो फ्रेंड कितना हुआ ये √8। और फ्रेंड्स को रूट से बाहर निकाल सकते हैं, आपको पता होगा, तो हो जाएगा आपका 2√2, ठीक है ना फ्रेंड। जिसको स्क्वायर रूट ना निकाला तो इसके बारे में मैं आपको फ्रेंड, 8 है, 8 आपके पास स्क्वायर है, 8 में ऐसा रूट में था फ्रेंड, ठीक है 8 था, तो इसके पेयर बना लो। आपने 9th पढ़ा होगा गिवन्स फार्मूला 2 × 2 × 2, ये आपने 8 के फैक्टर में किए, और फ्रेंड जिसके पेयर बन जाते हैं वो रूट से बाहर आता है, तो फ्रेंड 2 आपका बाहर आ गया, तो 2√2 फ्रेंड, ये आपका आंसर स्क्वायर। ठीक है ना, ये आपका इस आंसर होगा 2√2 यूनिट। फ्रेंड इजी क्वेश्चन था, इसका अगला क्वेश्चन करते हैं फ्रेंड, यहाँ पे देखते हैं। क्वेश्चन 1 का सेकंड पार्ट है फ्रेंड, वो कह रहा है आपसे -5 7 और आपको दिया है -1 और 3 फिर आपको ये दिया है, और आपसे कह रहा है कि आपको डिस्टेंस कैलकुलेट करने से आपने पिछले बार किया था फॉर्मूला सेम फ्रेंड ऐसे करते हैं। तो ये ए के पॉइंट हो गए फ्रेंड, और ये बी के पॉइंट बताया था मैं आपको, ये ए के पॉइंट मान सकते हो आप, और ये बी के पॉइंट, ये ए है और ये बी है आपका, तो ये है आपके -5 7 और बी है आपके पास -1 और 3। जैसा बताया था आपको फ्रेंड, इसको लिख सकते हो x1 y1 x2 y2। अब लगाते हो फ्रेंड डिस्टेंस फॉर्मूला है आपके, तो ए बी को डिस्टेंस हो जाएगी आपकी क्या फॉर्मूला फ्रेंड, x1 माइनस में x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस में y2 का होल स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं, x1 हमारे पास कितना है माइनस का 5, x2 कितना है माइनस का 1,
और माइनस माइनस प्लस, ठीक है फ्रेंड, कोई दिक्कत नहीं है। एक्स टू आपका माइनस वन था तो माइनस वन फ्रेंड प्लस लेगा आपके पास। आगे बढ़ते हैं वाई वन, वाई वन सेवन माइनस में वाई टू, वाई टू आपका थ्री है, ठीक है फ्रेंड। आगे बढ़ते हैं माइनस प्लस माइनस, साइन बढ़ा है माइनस का तो माइनस के फोर बचेंगे तो माइनस फोर का फ्रेंड आपके पास होल स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड, अब फ्रेंड सेवन थ्री का फ्रेंड फोर, फोर का यहाँ भी होल स्क्वायर, तो फ्रेंड फोर का स्क्वायर सिक्सटीन और फ्रेंड यहाँ भी फोर का स्क्वायर सिक्सटीन, फ्रेंड कितना हुआ ये रूट बत्तीस। अब फ्रेंड बताया था आपको हम क्या करेंगे, रूट बत्तीस के फैक्टर कर लेंगे, रूट के अंदर कितने होते हैं फ्रेंड बत्तीस का, और हम बत्तीस का करते हैं तो होते हैं हमारे पास फोर फोर सिक्सटीन इंटू टू, चार सौ सोलह बत्तीस, तो फिर पेयर बन गए, ये बाहर निकल जाएगा चार रूट टू फ्रेंड, ये आपका क्या होगा आंसर होगा फोर रूट टू, ठीक है फ्रेंड, बहुत ईजी था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन बन गई फ्रेंड आपके पास थर्ड पार्ट है, इसमें भी आपको फ्रेंड डिस्टेंस निकालनी है। ये आपको फ्रेंड लाइन बताइए आपने, यहाँ ए यहाँ बी, ये आपके पास ए के कोऑर्डिनेट हो गए ए बी, ये आपके पास बी के कोऑर्डिनेट हो गए माइनस ए माइनस बी, आप फिर डिस्टेंस के लोग फ्रेंड वही फ्रेंड एक्स वन वाई वन ये पॉइंट हो जाएंगे, ये एक्स वन ये वाई वन ये एक्स टू और ये वाई टू, सेम आपको डिस्टेंस निकालनी है, तो वही ए बी आप फोर पुट करोगे वही एक्स वन माइनस एक्स टू का स्क्वायर प्लस वाई वन माइनस वाई टू का होल स्क्वायर, आपने फॉर्मूला पुट कर दिया यहाँ पे, इजिली वैल्यू पुट कर सकते हैं हम यहाँ पे, एक्स वन आपके पास ए था, एक्स टू आपके पास माइनस था, तो माइनस माइनस प्लस प्लस का ए का होल स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड, वाई वन प्लस बी था और वाई टू आपके पास माइनस भी था तो माइनस माइनस फ्रेंड प्लस हो जाएगा तो प्लस का होल स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड, ए ए टू ए टू ए का होल स्क्वायर और फ्रेंड बी बी टू बी टू बी का होल स्क्वायर फ्रेंड टू का स्क्वायर फोर ए का ए स्क्वायर फोर ए स्क्वायर और फ्रेंड यही फोर बी स्क्वायर फ्रेंड, यहां से हमने फोर कॉमन ले लिया तो बचा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहां से फ्रेंड हमने फोर कॉमन ले लिया और फ्रेंड फोर किसका स्क्वायर होता है टू का, तो यहां पर मुझे कहिए आपका टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, फोर आपका स्क्वायर बाहर आ गया है और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आपका रूट में बच गया फ्रेंड, ये आपका फ्रेंड आंसर होगा, इजी क्वेश्चन था फ्रेंड। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है आपसे फाइंड डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट आपको दिए हुए हैं, कैन यू नाउ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू ए एंड दिस सैंपल, आपको क्या है फ्रेंड आपको डिस्टेंस निकालनी है इसमें भी, अगला क्वेश्चन नंबर फ्रेंड ये है, तो कह रहा है आपसे क्वेश्चन नंबर टू, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट जीरो जीरो एंड 36, 15, फ्रेंड दो आपको ये कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं, क्या रहा है कि इन दोनों के डिस्टेंस क्या होगा फ्रेंड, सिंपल सा फॉर्मूला है वही बताया था आपको मैंने, मान लो ये ए पॉइंट है ये बी पॉइंट है, ये आपके 0 0 पॉइंट रखे हैं उसने और ये आपको 36 और ये 15 दिया हुआ है, मान लो फ्रेंड ये x1 है ये y1 है ये x2 है ये y2 है, फ्रेंड निकाल सकते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला में, ए भी बराबर बताया था आपको मैंने, फ्रेंड क्या होता है x1 माइनस में x2 का स्क्वायर प्लस में y1 माइनस में y2 का स्क्वायर, लगा दो फॉर्मूला फ्रेंड आप यहाँ पे, x1 फ्रेंड आपका 0 है, x2 फ्रेंड आपका 36 है प्लस y2 अगर फ्रेंड यहाँ y1 कितना फ्रेंड 0 है माइनस में 15 का स्क्वायर, ठीक है ना, यहाँ लिख कर दिए फॉर्मूला अकॉर्डिंग मैंने फ्रेंड 0 माइनस 36 माइनस 36 बचेगा और माइनस 36 स्क्वायर करेंगे तो 1296 ऐसे फ्रेंड यहां पे 0 माइनस 15 माइनस 15 बचेगा स्क्वायर स्क्वायर करेंगे 225 दोनों को फ्रेंड ऐड कर देंगे 5 4 6 11 11 का 1 क्या लगा 3
थ्री और थ्री नाइन ट्वेल्व, ट्वेल्व का टू क्या लगा वन, थ्री और टू और टू फोर एट फाइव, फाइव और यहाँ वन फाइन ठीक है। तो ये फ्रेंड होता है आपका 39 का स्क्वायर रूट, किसका होता है 39 का स्क्वायर होता है, तो आपका आंसर आया 39 यूनिट, ये फ्रेंड आपका आंसर होगा ठीक है। मैम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड फ्रेंड बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में बहुत बार पूछा जाता है क्वेश्चन, ध्यान रखना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर तीन तो पढ़ता हूँ आपके सामने में, कैन आई डिटरमाइन इफ द पॉइंट ऑफ, डिटरमाइन इफ द पॉइंट ऑफ, आपको पॉइंट दिया फ्रेंड टी, मान लो ए है ये कोई एक पॉइंट दिया आपको 15, कोई बी है ये बी के पॉइंट दिए आपको 23 और कोई सी पॉइंट है ये फ्रेंड आपको दिए इसके पॉइंट आपको -2 -11 ठीक है, कोई ये आपको इक्वेशन दी है फ्रेंड ये दिए ठीक है, 15 23 एंड -2 -11 और क्या रखा ये आप कॉलिनियर के पॉइंट कॉलिनियर है कि नहीं फ्रेंड, कॉलिनियर की प्रॉपर्टी क्या होती है पहले तो हम ये जान लेते हैं कि कॉलिनियर फ्रेंड अगर हमारे पास हमने ये प्रूफ कर दिया ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी है तो ये पॉइंट कॉलिनियर होंगे, और फ्रेंड ये प्रूफ नहीं हुआ तो पॉइंट कॉलिनियर नहीं होंगे। तो फ्रेंड हम देखते हैं आप क्वेश्चन को देखते हैं फ्रेंड, तो फ्रेंड डिस्टेंस हमने लगाया पहले ए बी के अंदर, ए बी डिस्टेंस हमने लगाया फ्रेंड ए बी के अंदर, बता रहे आपको फ्रेंड ये एक्स वन है ये वाई वन है ये एक्स टू है ये वाई टू ठीक है। जब मैं ए भी निकाल रहा हूँ तो इसके लिए एक्स वन वाई वन ये है एक्स टू वाई टू ये है, तो फ्रेंड फॉर्मूला करते हैं लगाते हैं यहाँ पे एक्स वन माइनस में एक्स टू का होल स्क्वायर और वाई वन माइनस में वाई टू का होल स्क्वायर, तो फ्रेंड सॉल्व करते हैं एक्स वन हमारे पास वन एक्स टू माइन और टू माइनस टू का होल स्क्वायर प्लस y1 है हमारे पास 5 और y1 है 3 का होल स्क्वायर, फ्रेंड सॉल्व करते हैं इसको 1 माइनस 2 माइनस का 1 और 5 माइनस 3 2 2 का स्क्वायर, फ्रेंड ये आ जाएगा 1 का स्क्वायर 1 और 2 का 4 अंडर रूट 5 आ जाएगा ठीक है। फ्रेंड हमने फ्रेंड यहाँ पे ab को सॉल्व कर लिया, आप bc को करते हैं, जब फ्रेंड bc को सॉल्व करेंगे तो फ्रेंड जब BC करा है तो ये फ्रेंड क्या हो जाएगा, तब ये इसके लिए X1 हो जाएगा और ये इसके लिए Y1 ठीक है फ्रेंड, क्योंकि हम सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पे BC कर रहे हैं, और जब BC सॉल्व करेंगे तो फ्रेंड यहाँ पे इसके लिए X1 Y1 ये X2 Y2 ठीक है फ्रेंड, कोई दिक्कत नहीं है, ये हो जाएगा इसके लिए X2 और Y2 क्योंकि अब हम सॉल्व कर रहे हैं इक्वेशन BC और B पहले आ रहा है, इसलिए पॉइंट ये X1 Y1 ये X2 Y2 ठीक है फ्रेंड। चलो तो x1 ये रहा फ्रेंड, डायरेक्ट कर रहा हूं फॉर्मूला सामने लगा हुआ है x1 माइनस में x2 और फ्रेंड माइनस माइनस प्लस का होल स्क्वायर ठीक है। देखो फ्रेंड bc सॉल्व कर रहा हूं, x1 माइनस था और फॉर्मूला होता है माइनस 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 प्लस, आगे बढ़ते हैं प्लस, अब y1 फ्रेंड 3 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 11 होल स्क्वायर, तो फ्रेंड 2 का 2 प्लस 2 4 4 का स्क्वायर और फ्रेंड 3 प्लस 11 14 14 का स्क्वायर, ये फ्रेंड आपके पास आएगा 4 का स्क्वायर 16 और 14 का स्क्वायर 196, ऐड करते हैं 12 12 का 2 क्या लगा 1, 10 और ये 1 11 11 का 1 क्या लगा 1 और ये 2 ठीक है फ्रेंड। फ्रेंड इसके फैक्टर हो सकते हैं तो कर लेते हैं क्योंकि हम इसको रूट से बाहर निकालते हैं तो फ्रेंड थोड़ा सा क्वेश्चन करना आसान होता है, तो देखते हैं फ्रेंड इसके रूट बाहर निकलता है, तो फ्रेंड ये है 212 है ठीक है, इसके हम पेयर बनाते हैं पेयर, तो 106
3 और अब फ्रेंड इससे होगा नहीं है खाली फैक्टर होगा तो फ्रेंड आ जाएगा 2√53 क्योंकि फ्रेंड यहां पे 2 के तो पेयर बन ही गए हैं ठीक है फ्रेंड आगे करते हैं फ्रेंड अब बारी है फ्रेंड एसी की एसी अब जब फ्रेंड एसी करेंगे तो अब क्या होगा फ्रेंड एसी में ये x1 y1 और ये x2 y2 अब आप एसी ले रहे हो AC में A पहले आया तो X1 Y1 H2 Y2 ठीक है सॉल्व करते हैं फॉर्मूला सामने लगा हुआ है तो X1 1 माइनस माइनस प्लस प्लस का 2 का होल स्क्वायर फ्रेंड X1 माइनस माइनस प्लस H2 का होल स्क्वायर ठीक है फ्रेंड X1 ये रहा और H2 ये रहा X1 और माइनस होता है फॉर्मूला माइनस माइनस प्लस प्लस का H2 का होल स्क्वायर अब 1 Y1 है फ्रेंड 5 माइनस माइनस प्लस 11 का होल स्क्वायर आगे बढ़ते हैं फ्रेंड 3 का स्क्वायर फ्रेंड 9 हो जाएगा और 16 का होगा फ्रेंड 256 तो जोड़ देंगे तो हो जाएगा फ्रेंड यहां पर आपका 56 प्लस 4 16 और 216 और 265 हो जाएगा 265 कोई दिक्कत नहीं फ्रेंड ठीक है फ्रेंड 6 9 15 15 का 5 k लगा 1 1 5 6 2 करो फ्रेंड्स के फैक्टर कर लेते हैं थोड़ा सा काम आएगा 265 के में 5 से कट जाएगा 5 5 25 k लगा 1 यहां पे 5 से 15 और ये नहीं आया फ्रेंड वाला ठीक है ना यहां का बाहर आता तो 5 5 से 15 k लगा यहां पे ये 5 से तो फ्रेंड ये तो आएगा नहीं तो इसको ऐसे कर देंगे अब देखेंगे फ्रेंड मैंने आपसे क्या कहा था अब अपनी स्टेटमेंट देखने पूरी मैंने आपसे कहा था कि ABC बराबर AC के आ जाए तो आपका पॉइंट कॉलिनियर होगा ना पॉइंट आपके कॉलिनियर पॉइंट नहीं होगी एक फ्रेंड इतना आपके पास फ्रूट फैक्ट था ठीक है और BC आपके पास आया था 2√53 और AC आपके पास था 2√65 फ्रेंड क्या दोनों बराबर आ रहे हैं फ्रेंड बराबर ये नहीं आ रहे किसी की होते बने तो आपके जो पॉइंट्स है वो कैसे होंगे पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर ठीक है फ्रेंड आपके ये पॉइंट कोलिनियर नहीं होंगे पहला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4 आपको 3 पॉइंट दिए ए बी सी आपको 3 पॉइंट दिए हुए हैं वो कह रहा है आपसे ये बताइए कि ये आइसोस्कल ट्रायंगल होगा कि नहीं होगा ठीक है फ्रेंड बोल रहा है आपसे कि आइसोस्कल ट्रायंगल होगा कि नहीं होगा ये आपको चेक करना है ठीक है तो चेक करते हैं इसको कैसे कर सकते हैं ये क्वेश्चन नंबर 4 चेक वेदर फ्रेंड हमें ये पता है कि आइसोस्कल ट्रायंगल जो होता है उसके दो साइड फ्रेंड सेम होती है इक्वल होती है अगर हमने इनमें दो साइड को इक्वल बता दिया तो इसका मतलब ये उसका ट्रायंगल होगा वरना ऐसा उसका ट्रायंगल नहीं होगा तो फ्रेंड पहले हम यहां पे सॉल्व करते हैं ए बी को पहले यहां पे ए बी को सॉल्व कर लेते हैं डिस्टेंस फॉर्मूले से ठीक है ना तो बताया था जब ए बी सॉल्व कर लियो x1 इसके लिए है y1 ये x2 y2 ये तो आप बता चुका हूं फ्रेंड में कोई बड़ी दिक्कत नहीं है तो करते हैं x1 कितना फ्रेंड 5 x2 कितना है 6 माइनस ठीक है फ्रेंड अब y1 कितना है फ्रेंड -2 और y2 है फ्रेंड -4 फॉर्मूले अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं फ्रेंड आगे इसको तो प्लस माइनस 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 का 1 बचेगा स्क्वायर और फ्रेंड माइनस माइनस प्लस माइनस के 6 का स्क्वायर करते हैं फ्रेंड 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और ये 36 तो फ्रेंड यहां पर आपका है 37 हमने ए भी सॉल्व कर लिया फ्रेंड यहां पे अब फ्रेंड डी सॉल्व करते हैं यहां पे ऐसे बीसी सेम डिस्टेंस फॉर्मूले से आगे सॉल्व कर रहे हैं ए फ्रेंड डिस्टेंस निकाल लिया फ्रेंड दो के बीच में ए भी बीच निकाल चुके हैं बीसी भी निकाल लिया तो इसके लिए फ्रेंड क्या है x1 ये y1 ये x2 ये y2 ये लगाते हैं फॉर्मूला फ्रेंड 6 माइनस में 7 x1 माइनस में x2 प्लस y1 माइनस माइनस प्लस प्लस का होल स्क्वायर प्लस माइनस 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 का 1 का होल स्क्वायर और
तो साफ साफ फ्रेंड पता लग गया कि दो साइड तो सेम आ रही है, तीसरी सेम ना आ जाए, अगर तीसरी जाएगी तो ट्राइंगल फ्रेंड आपको पता है फिर आपके तीन ट्राइंगल होते हैं तो ये आपका क्या हो जाएगा, एक फुल ट्राइंगल हो जाएगा। तो सी साइड तो सेम आनी चाहिए, फिर निकाल के फ्रेंड आपको पढ़नी पड़ेगी पेपर में। अब इसी करो फ्रेंड, तो एक्स वन ये और वाई वन ये, एक्स टू ये, वाई टू ये, तो फ्रेंड फाइव माइनस में सेवन का होल स्क्वायर, एक्स वन माइनस में एक्स टू प्लस वाई वन माइनस माइनस प्लस का होल स्क्वायर, ठीक है फ्रेंड, वाई वन माइनस वाई टू तो माइनस माइनस प्लस फ्रेंड, प्लस माइनस 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 का टू और फ्रेंड यहां जीरो, हाँ जीरो, तो फ्रेंड कितना बचेगा, ये टू का बचेगा फ्रेंड फोर और ये टू आ जाएगा। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे दो साइड हमारे सेम हो गई है, कौन कौन सी फ्रेंड, ए बी एंड डी सी आर इक्वल रूट थर्टी सेवन, रूट थर्टी सेवन, तो हम कह सकते हैं कि ये बार आइसोसेलस ट्रायंगल फ्रेंड होगा, बिल्कुल होगा क्योंकि दो साइड के हैं सेम है और यही तो फ्रेंड रूट होता है ट्रायंगल का, तो बोल सकते हैं यहाँ पे कि आइसोसेलस ट्राइंगल होगा, यहां से मैंने फ्रेंड है यहाँ पे, ठीक है फ्रेंड, ये हमने यहाँ प्रूफ कर दिया। क्वेश्चन नंबर फाइव बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान समझेंगे। वो कह रहा है इन अ क्लासरूम फोर फ्रेंड आर सीटेड एंड द पॉइंट्स, आपकी बुक में ये आपको डायग्राम दिख रहा होगा फ्रेंड, एक आपको क्या है ग्राफ पेपर दिया है और आपको कोई चार बंदे दिए हैं ए बी सी डी दिए आपको, ठीक है फ्रेंड, और कह रहा है डी शोइंग फिगर 7.8 चंपा एंड चमेली वॉक इनटू द क्लास, ठीक है, एंड आफ्टर ऑब्जर्विंग फॉर अ फ्यू मिनट चंपा आस्क्ड चमेली डोंट यू थिंक ए बी सी डी स्क्वायर, चंपा कहती चमेली से क्या ये जो डायग्राम है एक स्क्वायर के पॉइंट है, चमेली डिसएग्रीज यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला एंड व्हिच इज अ देन इज करेक्ट, कह रहा है आप इसमें अपना डिस्टेंस फॉर्मूला लगाइए और ये बताइए कि ये चार पॉइंट किसी स्क्वायर के पॉइंट है क्या, चंपा ठीक कह रही है। तो फ्रेंड हमें पहले यहाँ डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना पड़ेगा ए से बी, ए बी में, बी सी में, सी डी में और ए डी में, अगर हमारे स्क्वायर की प्रॉपर्टी ये होती है अगर हमने चारों साइड इक्वल प्रूफ कर दी और दोनों डायगोनल इक्वल प्रूफ कर दिए तो ये फ्रेंड स्क्वायर होगा वरना स्क्वायर नहीं होगा। तो फ्रेंड देखते हैं, तो इसलिए मैंने आपके लिए एक ये डायग्राम बना दिया है, हालांकि देखो फ्रेंड मैंने यहाँ पे ए के पॉइंट लिख दिए हैं, बी के, सी के, डी के और मैं यहाँ चारों को निकाल रहा हूँ और देखता हूँ फ्रेंड कि ये हमारे सिमिलर है या नहीं है। तो करते हैं फ्रेंड यहाँ पे क्वेश्चन में ए बी, तो बताएगा फ्रेंड फोर में डिस्टेंस का एक्स वन माइनस में एक्स टू का होल स्क्वायर, ये डिस्टेंस फॉर्मूला लगा फ्रेंड आपके बीच में, और वाई वन माइनस में वाई टू ये डिस्टेंस फॉर्मूला है फ्रेंड, ए बी की डिस्टेंस फॉर्मूला लग गया ये। और फ्रेंड बताया था मैं आपको जो मैं ए बी करूँ जिसका नंबर पहले लिखा होता है जैसे ए यहाँ फ्रेंड पहले लिखा है तो ए के कोऑर्डिनेट क्या होंगे फ्रेंड यहाँ पे एक्स वन वाई वन ही होंगे और जो सेकंड नंबर होता है वो वाई एक्स टू वाई टू ही होता है। तो फ्रेंड यहाँ पे ए बी लिखा है मैंने तो यहाँ पे जो पॉइंट होंगे ये कोऑर्डिनेट ये एक्स वन वाई वन यही होंगे, ठीक है फ्रेंड। करते हैं फ्रेंड क्वेश्चन को, तो ए बी फ्रेंड कितना एक्स वन माइनस में एक्स टू थ्री माइनस में सिक्स का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस वाई टू वाई वन माइनस में वाई टू फोर माइनस सेवन का स्क्वायर फ्रेंड करते हैं प्लस माइनस 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 के थ्री बचेंगे फ्रेंड आपके पास यहाँ पर माइनस के थ्री का होल स्क्वायर और यहाँ बचेगा फ्रेंड माइनस का थ्री आपका यहाँ भी बचेगा, ठीक है फ्रेंड कोई दिक्कत नहीं है। तो फ्रेंड ये आपका आ जाएगा थ्री का स्क्वायर नाइन और यहाँ भी थ्री का स्क्वायर नाइन माइनस तो फ्रेंड पॉजिटिव हो जाएगा स्क्वायर में और ये आपका फ्रेंड आ गया रूट एट्टीन। फ्रेंड इसको फैक्टराइज कर सकते हैं, आप बताया था मैंने आपको 18 के फैक्टर कितने होते हैं फ्रेंड आपके 3 × 3 × 2 3 किया 9 जो 18 तो 3 के पेयर बन गए आपके ये बाहर निकल जाएगा 3 × 2 ठीक है फ्रेंड आपकी ए बी की वैल्यू आ गई है। ऐसे फ्रेंड आप बी सी सॉल्व करेंगे बी सी, तो फ्रेंड अब बी सी कर लो तो एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू ठीक है फ्रेंड कोई दिक्कत नहीं है। एक्स वन सिक्स माइनस नाइन का होल स्क्वायर प्लस सेवन माइनस में फोर ठीक है फ्रेंड मतलब कि वाई वन माइनस में वाई टू फ्रेंड एक्स वन माइनस में एक्स टू वाई वन माइनस में वाई टू फ्रेंड भाई प्लस माइनस 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 के थ्री बचेगा यहां से
और यहाँ से बना होगा माइनस का 3 बचेगा, तो फ्रेंड ये भी आपका 18 हो जाएगा और ये भी आपका निकल के 3√2 हो जाएगा। तो आपको BC भी आ गया। अब फ्रेंड आपको निकालना है CD, AB, BC, CD। फ्रेंड यही फॉर्मूला से अब X1 Y1 ये है, X2 Y2 ये है आपके, ठीक है ना कोऑर्डिनेट्स। तो 9 माइनस में 6 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस में 1 का होल स्क्वायर। तो फ्रेंड 9 से 6 3 बचे 3 का स्क्वायर, और फ्रेंड यहां पे 4 माइनस 3 बचे 3 का स्क्वायर। फ्रेंड ये भी आपका 18 ही आ जाएगा और ये भी आपका 3√2 ही आ जाएगा, ठीक है ना। तीन साइड निकल चुकी है फ्रेंड। अब लास्ट बची आपकी AD, AB निकालते हैं, BC, CD और AD बचा है। तो फ्रेंड X1 Y1 X2 Y2 X1 माइनस में X2 3 माइनस में 6 3 माइनस में 6 प्लस Y1 माइनस में Y2 4 माइनस 1 फ्रेंड प्लस माइनस 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 का साइन बढ़ा तो माइनस के 3 बच जाएगा आपके पास यहां पर, और 4 जोड़ गया 3 बचा 3 का स्क्वायर। और फ्रेंड ये भी आपका सेम और √18 ही आ गया और ये आपका 3√2 ही आ गया। फ्रेंड आपने सारे साइड से मिला लेंगे, देखो ए भी आपकी 3√2 आई है, बी सी भी आपकी 3√2 आई है, सी डी आपकी 3√2 आई है और एडी भी आपकी 3√2 आई है। आपने साइड तो सारी प्रूफ कर दी है कि आपकी सारी साइड तो इक्वल आ रही है, बट क्या फ्रेंड आपकी एक डायगोनल भी इक्वल आ रहे हैं? आपने साइड तो लगा दी है कि सब साइड इक्वल आ रही है, अब डायगोनल भी आपको प्रूफ करना पड़ेगा कि डायगोनल इक्वल आ रहे कि नहीं आ रहे। अगर आपके डायगोनल भी इक्वल आते हैं तो फ्रेंड आपका स्क्वायर हो जाएगा। चेक करते हैं एक बार डायगोनल को, क्या थोड़ा रफ कर लेते हैं। तो फ्रेंड डायगनल डालते हैं आपके बीच में, तो ये डायगनल आपका AC डायगनल, ये आपका B डायगनल। तो सॉल्व करते हैं फ्रेंड डिस्टेंस बाय AC के बीच में, AC डायगनल, डायगनल क्या फ्रेंड AC, तो X1 Y1 X2 Y2 सॉल्व करें फ्रेंड 3 माइनस में सॉरी 9 का 9 डिस्टेंस बाय AC X1 Y1 X2 Y2 X1 माइनस में X2 X1 X2 ठीक है प्लस Y1 4 माइनस में 4 4 माइनस में 4 कोई दिक्कत नहीं फ्रेंड, आगे बढ़ते हैं। 3 माइनस 6 माइनस के 3 माइनस 9 प्लस माइनस 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 का 6 बचेगा और प्लस यहाँ पे 0 का स्क्वायर और ये बच जाएगा आपके पास 6 का स्क्वायर 36 और ये स्क्वायर रूट बाय 6 ठीक है ना। आपने AC निकाल लिया, अब निकालो फ्रेंड ऐसी BD, सेम BD निकालते फ्रेंड डायगनल डायगनल BD। तो फ्रेंड भाई X1 Y1 X2 Y2 तो 6 माइनस 6 प्लस Y2 माइनस Y1 7 माइनस 1 0 फ्रेंड 0 का स्क्वायर और 7 में 6 6 का स्क्वायर 36 और फ्रेंड ये भी 6। तो देखिए फ्रेंड हमारे चारों साइड सेम आई और दोनों डायगोनल फ्रेंड क्या है सेम है, तो चंपा इज करेक्ट दिस इज स्क्वायर फ्रेंड। बाकी जो इसके क्वेश्चन रह गए हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे फ्रेंड। थैंक यू फ्रेंड। हेलो फ्रेंड, जैसा कि आपने मेरे पहले वीडियो में क्लास 10th 7 चैप्टर ज्योमेट्री वाले चैप्टर है हमारा, इसमें से मैंने आपको बेसिक फॉर्म में करा दिए थे, तो आज हम इस पे क्वेश्चन करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे। 7.1 पे पहला फ्रेंड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 वो कह रहा है आपसे फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट। आपको यहां पे डिस्टेंस निकालनी है फ्रेंड। पहले क्वेश्चन में 3 पार्ट दिए हैं, मैं आपको सारे पार्ट करा रहा हूं। तो फ्रेंड फाइंड डिस्टेंस, मैंने बताया था आपको डिस्टेंस का फॉर्मूला अपनी वीडियो में। तो फ्रेंड मान लो आपके कोई ये पॉइंट है, ये ए पॉइंट है आपका और ये कोई बी पॉइंट है। आपको दे रखे हैं पॉइंट कितने 2 और 3 दे रखे हैं फ्रेंड, और बी कितने रखे हैं आपको फ्रेंड 4 और 1, और वो आपसे कह रहा है कि फाइंड द डिस्टेंस। तो फ्रेंड बताया था आपको डिस्टेंस का फॉर्मूला, ए बी की डिस्टेंस निकालनी है। ए बी डिस्टेंस फॉर्मूला फ्रेंड बताया था क्या होता है, मैं आपको x1 - x2 का होल स्क्वायर
प्लस वाई वन माइनस वाई टू का होल स्क्वायर। ये आपका फॉर्मूला था फ्रेंड डिस्टेंस का, मैं बताया था आपको पिछले वीडियो में। अब इसी फॉर्मूले पे खाली क्या होगा, आपको वैल्यू पुट करनी है। तो आपका ये फ्रेंड ये होता है हमेशा अपनी सहूलत के लिए, यहाँ पे एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू आप लिखोगे तो आपको फ्रेंड हमेशा ये पता रहेगा कि आपके पास एक्स वन क्या है एक्स टू क्या है, तो इजिली बंदा आप पुट कर सकते हो, तो कोई दिक्कत नहीं होती आपको। तो फ्रेंड अब देखते हैं यहाँ पे एक्स वन क्या है आपके पास टू, पूरा दिया आपने माइनस का साइन था माइनस लगा दिया, एक्स टू क्या है आपके पास फोर, तो आपने यहाँ पे फोर रख दिया, ब्रैकेट क्लोज का होल स्क्वायर, ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला आगे बढ़ते हैं, प्लस है वाई वन फ्रेंड आपके पास थ्री है, माइनस है फिर, और वाई टू आपके पास वन है, ये आपका होल स्क्वायर, ठीक है फ्रेंड। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड, फ्रेंड प्लस माइनस 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 का टू बचेगा, माइनस के टू का फ्रेंड होल स्क्वायर, प्लस और फ्रेंड थ्री बन गया तो टू बचेगा, टू का फ्रेंड होल स्क्वायर। फिर आगे बढ़ते हैं फ्रेंड, माइनस टू का होल स्क्वायर फोर, और यहाँ पे टू का स्क्वायर फोर, तो फ्रेंड कितना हुआ ये रूट एट, और फ्रेंड इसको रूट से बाहर निकाल सकते हैं, आपको पता होगा, तो हो जाएगा आपका टू रूट टू, ठीक है ना फ्रेंड। जिसको स्क्वायर रूट निकालना तो मैं बताता हूँ आपको फ्रेंड, एट है, एट आपके पास स्क्वायर है, एट में रूट में था फ्रेंड, ठीक है एट था, तो इसकी पेयर बना लो, आपने नाइन्थ पढ़ा होगा इवन फॉर्मूला, टू इंटू टू इंटू टू, ये आपने एट के फैक्टर कर दिए, और फ्रेंड जिसके पेयर बन जाते हैं वो रूट से बाहर आता है, तो फ्रेंड टू आपका बाहर आ गया, तो टू रूट टू फ्रेंड, ये आपका आंसर स्क्वायर ठीक है ना, ये आपका आंसर होगा टू रूट टू यूनिट। फ्रेंड इजी क्वेश्चन था, इसका अगला क्वेश्चन करते हैं फ्रेंड, यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन वन का सेकंड पार्ट है, वो कह रहा आपसे माइनस फाइव सेवन, और आपको दिया है माइनस वन और थ्री, फिर आपको ये दिया है और आपसे कह रहा है कि आपको डिस्टेंस कैलकुलेट करने से आपने पिछले बार किया था फॉर्मूले सेम फ्रेंड ऐसे करते हैं, तो ये ए के पॉइंट हो गए फ्रेंड, और ये बी के पॉइंट बताया था मैं आपको, ये ए के पॉइंट मान सकते हो आप और ये बी के पॉइंट, ये ए है और ये बी है आपका, तो ये है आपके माइनस फाइव सेवन और बी है आपके पास माइनस वन और थ्री, जैसा बताया था ना आपको फ्रेंड, इसको लिख सकते हो एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू, अब लगाते हो फ्रेंड डिस्टेंस फॉर्म है आपके, तो ए बी को डिस्टेंस हो जाएगी आपकी क्या फॉर्म का फ्रेंड, एक्स वन माइनस में एक्स टू का होल स्क्वायर प्लस y1 वन माइनस में वाई टू का होल स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड, एक्स वन हमारे पास कितना है फ्रेंड माइनस का फाइव, एक्स टू कितना है फ्रेंड माइनस का वन, और माइनस माइनस प्लस, ठीक है फ्रेंड कोई दिक्कत नहीं है, एक्स टू आपका माइनस वन था तो माइनस वन फ्रेंड प्लस ले लो आपके पास। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड, वाई वन वाई वन सेवन माइनस में वाई टू, वाई टू आपका थ्री है, ठीक है फ्रेंड आगे बढ़ते हैं, माइनस प्लस माइनस साइन बड़ा है माइनस का तो माइनस के फोर बचेंगे, तो माइनस फोर का फ्रेंड आपके पास होल स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड, अब फ्रेंड सेवन थ्री का फ्रेंड फोर, फोर का यहाँ भी होल स्क्वायर, तो फ्रेंड फोर का स्क्वायर सिक्सटीन, और फ्रेंड यहाँ भी फोर का स्क्वायर सिक्सटीन, फ्रेंड कितना हुआ ये रूट बत्तीस। अब फ्रेंड बताया था आपको हम क्या करेंगे, रूट बत्तीस के फैक्टर कर लेंगे, रूट के अंदर कितने होते हैं फ्रेंड बत्तीस का, और हम बत्तीस का करते हैं तो होते हैं हमारे पास फोर फोर सिक्सटीन इंटू टू, चार चौक सौ बत्तीस, तो फिर पेयर बन गए, ये बाहर निकल जाएगा चार रूट टू फ्रेंड, ये आपका क्या होगा आंसर होगा,
फोर रूट टू। ठीक है फ्रेंड, बहुत इजी था। अगला क्वेश्चन करते हैं। अमित, ओए अमित, अमित, ओए अमित, इधर आ भाई। भाई आप क्या कर रहे हो बताना, कुछ नहीं रहा, क्या चल रहा है वीडियो में? और दो तीन क्वेश्चन करा दिए मैंने, हैं बताओगे मुझे कुछ? क्वेश्चन बन गई एंड आपके पास थर्ड पार्ट है, इसमें भी आपको फ्रेंड डिस्टेंस निकालनी है। ये आपको फ्रेंड लाइन बताइए आपने, यहाँ ए यहाँ बी, ये आपके पास ए के कोऑर्डिनेट हो गए ए बी, ये आपके पास B के कोऑर्डिनेट हो गए माइनस ए माइनस बी। आप फिर डिस्टेंस में लोड करो फ्रेंड, वही फ्रेंड x1 y1 ये कौन हो जाएंगे, ये x1 ये y1 ये x2 और ये y2, सेम आपको डिस्टेंस निकालनी है। तो वही ए बी आप फोर में पुट करोगे, वही x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। आपने फॉर्मूला पुट कर दिया, करने आपने इजीली वैल्यू पुट कर सकते हैं हम यहाँ पे। x1 आपके पास a था, x2 आपके पास माइनस था, तो माइनस माइनस प्लस प्लस का a का होल स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड, y आपके पास b था और y2 आपके पास माइनस b था, तो माइनस माइनस फ्रेंड प्लस हो जाएगा, तो प्लस का होल स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड, a a 2a 2a का होल स्क्वायर और फ्रेंड b b 2b 2b का होल स्क्वायर एंड 2 का हां 2 का स्क्वायर 4 a का a स्क्वायर 4 a स्क्वायर और फ्रेंड यही 4 b स्क्वायर। फ्रेंड यहां से हमने 4 कॉमन ले लिया, तो बचा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यहां से हमने 4 कॉमन ले लिया और फ्रेंड 4 किसका स्क्वायर होता है 2 का, तो यहां पहुंच जाएगा ये आपका 2 अंडर रूट a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर। 4 आपका स्क्वायर बाहर आ गया है और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आपका अंडर रूट में बच गया फ्रेंड। ये आपका फ्रेंड आंसर होगा, इजी क्वेश्चन है फ्रेंड। आप बढ़ते हैं, फ्रेंड अगला क्वेश्चन कह रहा है आपसे, फाइंड डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट आपको दिए गए हैं, कैन यू नाउ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू ए एंड दिस सैंपल। आपको क्या है फ्रेंड, आपको डिस्टेंस निकालनी है इसमें भी। अगला क्वेश्चन नंबर फ्रेंड ये है, तो कह रहा है आपसे क्वेश्चन नंबर टू, फाइंड डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 0 0 एंड 36 15 फ्रेंड। दो आपको ये कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं, क्या रहा है कि इन दोनों के डिस्टेंस क्या होगा फ्रेंड। सिंपल सा फॉर्मूला है, वही बताया था आपको मैंने, मान लो ये ए पॉइंट है ये बी पॉइंट है, ये आपके 0 0 पॉइंट रखे हैं उसमें और ये आपको 36 और ये 15 दिया हुआ है। मान लो फ्रेंड ये एक्स वन है ये वाई वन है ये एक्स टू है ये वाई टू है। फ्रेंड निकाल सकते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला, ए भी बराबर बताया था आपको मैंने, क्या होता है x1 माइनस में x2 का स्क्वायर प्लस में y1 माइनस में y2 का स्क्वायर। लगा दो फॉर्मूला फ्रेंड, आप यहाँ पे x1 फ्रेंड आपका 0 है, x2 फ्रेंड आपका 36 है यहाँ प्लस y2 अपर फ्रेंड यहाँ y1 कितना फ्रेंड 0 है माइनस में 15 का स्क्वायर। ठीक है ना, यहाँ वाले पुट कर दिए फॉर्मूला अकॉर्डिंग मैंने फ्रेंड, 0 माइनस 36 माइनस 36 बचेगा और माइनस 36 स्क्वायर करेंगे तो 1296 ऐसे फ्रेंड। यहाँ पे 0 माइनस 15 माइनस 15 बचेगा स्क्वायर स्क्वायर करेंगे 225 दोनों को फ्रेंड ऐड कर देंगे 546 11 11 का 1 कैरी लगा 3 और 39 12 12 का 2 कैरी लगा 1 3 और 2 और 2 4 8 5 5 और यहाँ 1 फ्रेंड। ठीक है, तो ये फ्रेंड होता है आपका 39 का स्क्वायर रूट।
किसका होता है कांटी 39 का स्क्वायर होता है, तो आपका आंसर आया 39 यूनिट। ये फ्रेंड आपका आंसर होगा। ठीक है मैम, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड फ्रेंड बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में बहुत बार पूछा जाता है क्वेश्चन, ध्यान रखना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर तीन तो पढ़ता हूँ फ्रेंड आपके सामने में। कह रहा है डिटरमाइन इफ द पॉइंट ऑफ, डिटरमाइन इफ द पॉइंट ऑफ, आपको पॉइंट दिया फ्रेंड टी, मान लो ए है, कोई एक पॉइंट दिया आपको 15, कोई बी है, ये बी के पॉइंट दिए आपको 23, और तो सी पॉइंट है ये फ्रेंड आपको दिए, इसके पॉइंट आपको -2 -11। ठीक है, कोई ये आपको इक्वेशन दी है फ्रेंड, ये दी है ना 15, 23 and -2 -11। और क्या रखा ये आप कॉलिनियर के पॉइंट, कॉलिनियर है कि नहीं फ्रेंड, कॉलिनियर की प्रॉपर्टी क्या होती है पहले तो हम ये जान लेते हैं कि कॉलिनियर के फ्रेंड, अगर हमारे पास हमने प्रूफ कर दिया ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी है तो ये पॉइंट कॉलिनियर होंगे, और फ्रेंड ये प्रूफ नहीं हुआ तो पॉइंट कॉलिनियर नहीं होंगे। तो फ्रेंड हम देखते हैं क्वेश्चन को, देखते हैं फ्रेंड। तो फ्रेंड हम डिस्टेंस फॉर्म लगाया पहले ए बी के अंदर, ए बी डिस्टेंस फॉर्म लगाया फ्रेंड ए बी के अंदर, बताया मैंने आपको फ्रेंड ये एक्स वन है, ये वाई वन है, ये एक्स टू है, ये वाई टू। ठीक है फ्रेंड, जब मैं ए बी निकाल रहा हूँ तो इसके लिए एक्स वन वाई वन ये है, एक्स टू वाई टू ये है, तो फ्रेंड फॉर्मूला करते हैं यहाँ पे एक्स वन माइनस में एक्स टू का होल स्क्वायर और वाई वन माइनस में वाई टू का होल स्क्वायर। तो फ्रेंड सॉल्व करते हैं, एक्स वन हमारे पास वन, एक्स टू वाई और टू माइनस टू का होल स्क्वायर प्लस y1 है हमारे पास 5 और y1 है 3 का होल स्क्वायर। फ्रेंड्स सॉल्व करते हैं इसको, 1 माइनस 2 माइनस का 1 और 5 माइनस 3 2 2 का स्क्वायर। फ्रेंड ये आ जाएगा 1 का स्क्वायर 1 और 2 का 4 अंडर रूट 5 आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड, हमने फ्रेंड यहां पे ab को सॉल्व कर लिया, अब bc को करते हैं। जब फ्रेंड bc को सॉल्व करेंगे तो फ्रेंड जब BC करा है तो ये फ्रेंड क्या हो जाएगा, तब ये इसके लिए X1 हो जाएगा और ये इसके लिए Y1। ठीक है फ्रेंड, क्योंकि हम सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पे BC कर रहे हैं, और जब BC सॉल्व करेंगे तो फ्रेंड यहाँ पे इसके लिए X1 Y1 ये X2 Y2। ठीक है फ्रेंड, कोई दिक्कत नहीं है, ये हो जाएगा इसके लिए X2 और Y2, क्योंकि अब हम सॉल्व कर रहे हैं इक्वेशन BC और B पहले आ रहा है, इसके लिए पॉइंट ये X1 Y1 ये X2 Y2। ठीक है फ्रेंड, चलो तो x1 ये रहा फ्रेंड, डायरेक्ट करो फॉर्मूला सामने लगा हुआ है x1 माइनस में x2 और फ्रेंड माइनस माइनस प्लस का होल स्क्वायर। ठीक है, देखो फ्रेंड bc सॉल्व कर रहा हूं, x1 माइनस था और फॉर्मूला होता है माइनस 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 प्लस, आगे बढ़ते हैं प्लस, अब y1 फ्रेंड 3 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 11 होल स्क्वायर। तो फ्रेंड 2 का 2 प्लस 2 4 4 का स्क्वायर और फ्रेंड 3 प्लस 11 14 14 का स्क्वायर, और ये फ्रेंड आपके पास आएगा 4 का स्क्वायर 16 और 14 का स्क्वायर 196। ऐड करते हैं फ्रेंड 60 12 12 का 2 क्या लगा 1, 10 और 11 11 11 का 1 क्या लगा 1 और ये 2। ठीक है फ्रेंड, फ्रेंड इसके फैक्टर हो सकते हैं तो कर लेते हैं, क्योंकि हम इसको रूट से बाहर निकालते हैं फ्रेंड, थोड़ा सा क्वेश्चन करना आसान होता है। तो देखते हैं फ्रेंड इसके रूट बाहर निकल आता है, तो फ्रेंड ये है 212 है। ठीक है, इसके हम पेयर बनाते हैं, पेयर तो 106 53 और अब फ्रेंड इससे होगा नहीं है खाली छोटे, तो फ्रेंड आ जाएगा 2√53, क्योंकि फ्रेंड यहाँ पे 2 के तो पेयर बन ही गए हैं। ठीक है फ्रेंड, आगे करते हैं फ्रेंड,
अब बारी है फ्रेंड एसी की, ए सी। अब जब फ्रेंड एसी करेंगे तो अब क्या होगा फ्रेंड, एसी में ये एक्स वन वाई वन और ये एक्स टू वाई टू। अब आप एसी ले रहे हो तो एसी में ए पहले आया तो एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू। ठीक है फ्रेंड, सॉल्व करते हैं, फॉर्मूला सामने लगा हुआ है। तो एक्स वन वन माइनस माइनस प्लस प्लस का टू का होल स्क्वायर फ्रेंड, एक्स वन माइनस माइनस प्लस एक्स टू का होल स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड, एक्स वन ये रहा और एक्स टू ये रहा, एक्स वन और माइनस होता है फॉर्म में माइनस माइनस प्लस प्लस का एक्स टू का होल स्क्वायर। अब वन वाई वन है फ्रेंड फाइव माइनस माइनस प्लस इलेवन का होल स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड, थ्री थ्री का स्क्वायर फ्रेंड नाइन हो जाएगा और 16 का हुआ फ्रेंड 256। इसको जोड़ देंगे तो हो जाएगा फ्रेंड यहाँ पर आपका 56 प्लस 4 16 और 260 और 265 हो जाएगा 265। कोई दिक्कत नहीं फ्रेंड, ठीक है ना। 69 15 15 का 5 क्या लगा 1 156 को करो फ्रेंड, इसके फैक्टर कर लेते हैं, थोड़ा सा काम आएगा 265 के में 5 से कट जाएगा 55 25 क्या लगा 1 यहां पे 5 से 15 और ये नहीं आया फ्रेंड, ठीक है ना। यहाँ का बाहर आता तो 5 5 15 के लगाना पे ये 55 चीज है तो फ्रेंड ये तो आएगा नहीं तो इसको ऐसे कर देंगे। अब देखेंगे फ्रेंड मैंने आपसे क्या कहा था, अब अपनी स्टेटमेंट देखेंगे पूरी। मैंने आपसे कहा था कि ए बी बी सी बराबर ए सी के आ जाए तो आपका पॉइंट कॉलिन होगी, वरना कॉलिन आप एक कॉलिन पॉइंट नहीं होगी। एक फ्रेंड इतना आपके पास रूट फैक्ट था, ठीक है फ्रेंड, और BC आपको आया था 2√53 और AC आपके पास था 2√65 फ्रेंड। क्या दोनों बराबर आ रहे हैं फ्रेंड, बराबर ये नहीं आ रहे किसी की ओर से बने आ, तो आपके जो पॉइंट्स है वो कैसे होंगे, पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर, पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर, पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर। ठीक है फ्रेंड, आपके पॉइंट कोलिनियर नहीं होंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 4। आपको तीन पॉइंट दिए ए बी सी, आपको तीन पॉइंट दिए हुए हैं। वो कह रहा है आपसे ये बताइए कि ये आइसोस्कल ट्रायंगल होगा कि नहीं होगा। ठीक है ना, बोल रहा है आपसे कि आइसोस्कल ट्रायंगल होगा कि नहीं होगा, ये आपको चेक करना है। ठीक है ना, तो चेक करते हैं इसको कैसे कर सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 4 चेक वेदर फ्रेंड, हमें ये पता है कि आइसोस्कल ट्रायंगल जो होता है उसकी दो साइड फ्रेंड सेम होती है, इक्वल होती है। अगर हमने इनमें दो साइड को इक्वल बता दिया तो इसका मतलब ये आइसोस्कल ट्रायंगल होगा, वरना आइसोस्कल ट्रायंगल नहीं होगा। तो फ्रेंड पहले हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं ए बी को, पहले यहाँ पे ए बी को सॉल्व कर लेते हैं डिस्टेंस फॉर्मूले से। ठीक है ना, तो बताया था जब ए बी सॉल्व कर लो, एक्स वन इसके लिए है, वाई वन ये, एक्स टू वाई टू ये, तो आप बता चुका हूँ फ्रेंड में कोई बड़ी दिक्कत नहीं है। तो करते हैं x1 कितना फ्रेंड 5, x2 कितना है 6 माइनस, ठीक है फ्रेंड। अब y1 कितना है फ्रेंड माइनस 2 और y2 है फ्रेंड माइनस का 4। फॉर्मूले को सॉल्व करते हैं फ्रेंड आगे इसको, तो प्लस माइनस 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 का 1 बचेगा स्क्वायर और फ्रेंड माइनस माइनस प्लस माइनस के 6 का स्क्वायर। करते हैं फ्रेंड 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और ये 36, तो फ्रेंड यहां पर आपका है 37। हमने ए बी सॉल्व कर लिया फ्रेंड यहां पे, अब फ्रेंड डी सॉल्व करते हैं यहां पे ऐसे बी सी सेम डिस्टेंस फॉर्मूले से आगे सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है फ्रेंड, डिस्टेंस निकाल लिया फ्रेंड दोनों के बीच में, ए बी के बीच में निकाल चुके हैं, बी सी के बीच में निकाल लिया। तो इसके लिए फ्रेंड क्या है, एक्स वन ये वाई वन ये एक्स टू ये वाई टू ये लगाते हैं फॉर्मूला फ्रेंड, 6 माइनस में 7 x1 माइनस में x2 प्लस y1 माइनस माइनस प्लस प्लस का होल स्क्वायर, प्लस माइनस 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 का 1 का होल स्क्वायर और 4 प्लस 2 6 6 का होल स्क्वायर फ्रेंड फ्रेंड ये भी आपका 37 आ जाएगा। अब फ्रेंड अगर बचा आपके पास ए बी हो गया बी सी हो गया, अगला ए सी निकालते हैं। वैसे तो साफ साफ फ्रेंड पता लग गया है कि दो साइड तो सेम आ रही है,
तीसरी सेम ना आ जाए, अगर तीसरी आएगी तो ट्राइंगल फ्रेंड आपको पता है फिर आपके तीन ट्राइंगल होते हैं तो ये आपका क्या हो जाएगा, एक ट्राइंगल हो जाएगा। तो सी साइड सेम आनी चाहिए, फिर निकाल के फ्रेंड आपको पढ़नी पड़ेगी पेपर में। अब इसी करो फ्रेंड, तो एक्स वन ये और वाई वन ये, एक्स टू ये, वाई टू ये, तो फ्रेंड फाइव माइनस में सेवन का स्क्वायर, एक्स वन माइनस में एक्स टू प्लस वाई वन माइनस माइनस प्लस का होल स्क्वायर, ठीक है फ्रेंड, वाई वन माइनस वाई टू तो माइनस माइनस प्लस फ्रेंड, प्लस माइनस 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 का टू और फ्रेंड यहां जीरो, हाँ जीरो, तो फ्रेंड कितना बचेगा, ये टू का बचेगा फ्रेंड फोर और ये टू आ जाएगा। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे दो साइड हमारे सेम हो गई है, कौन कौन से फ्रेंड, ए बी एंड बी सी आर इक्वल रूट थर्टी सेवन, रूट थर्टी सेवन, तो हम कह सकते हैं कि ये बार आइसोसेलस ट्राइंगल फ्रेंड होगा, बिल्कुल होगा क्योंकि दो साइड के है सेम है और ये तो फ्रेंड रूट होता है ट्राइंगल का, तो बोल सकते हैं यहाँ पे कि आइसोसेलस ट्राइंगल होगा या फिर हम फ्रेंड है यहाँ पे, ठीक है फ्रेंड, ये हमने यहाँ प्रूफ कर दिया। क्वेश्चन नंबर फाइव बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान समझेंगे। वो कह रहा है इन अ क्लासरूम फोर फ्रेंड आर सीटेड एंड द पॉइंट्स, आपकी बुक में ये आपको डायग्राम दिख रहा होगा फ्रेंड, एक आपको क्या है ग्राफ पेपर दिया है और आपको कोई चार बंदे दिए हैं ए बी सी डी दिए आपको, ठीक है फ्रेंड, और कह रहा है डी शोइंग फिगर 7.8 चंपा एंड चमेली वॉक इनटू द क्लास, ठीक है, एंड आफ्टर ऑब्जर्विंग फॉर अ फ्यू मिनट चंपा आस्क्ड चमेली डोंट यू थिंक ए बी सी डी स्क्वायर, चंपा कहे चमेली से क्या ये जो डायग्राम है कि स्क्वायर के पॉइंट है, चमेली डिसएग्रीज यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला एंड व्हिच इज अ देन इज करेक्ट, कह रहा है आप इसमें अपना डिस्टेंस फॉर्मूला लगाइए और ये बताइए कि ये चार पॉइंट किसी स्क्वायर के पॉइंट है, क्या चंपा ठीक कह रही है। तो फ्रेंड हमें पहले यहाँ डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना पड़ेगा ए से बी, ए बी में, बी सी में, सी डी में और ए डी में, अगर हमारे स्क्वायर की प्रॉपर्टी ये होती है अगर हमने चारों साइड इक्वल प्रूफ कर दी और दोनों डायगोनल इक्वल प्रूफ कर दिए तो ये फ्रेंड स्क्वायर होगा वरना स्क्वायर नहीं होगा। तो फ्रेंड देखते हैं, तो इसलिए मैंने आपके लिए एक ये डायग्राम बना दिया है, हालांकि देखो फ्रेंड मैंने यहाँ पे ए के पॉइंट लिख दिए हैं, बी के, सी के, डी के और मैं यहाँ चारों को निकाल रहा हूँ और देखता हूँ फ्रेंड कि ये हमारे सिमिलर है या नहीं है। तो करते हैं फ्रेंड यहाँ पे क्वेश्चन में ए बी, तो बताएगा फ्रेंड फोर डिस्टेंस का एक्स वन माइनस में एक्स टू का होल स्क्वायर, ये डिस्टेंस फॉर्म लगा फ्रेंड आपके बीच में, और वाई वन माइनस में वाई टू ये डिस्टेंस फॉर्म लगा फ्रेंड ए बी की डिस्टेंस फॉर्म लग गया ये। और फ्रेंड बताता हूं आपको, जब मैं ए बी करूं जिसका नंबर पहले लिखा होता है जैसे ए यहां फ्रेंड पहले लिखा है तो ए के कोऑर्डिनेट क्या होंगे फ्रेंड यहां पे x1 y1 ही होंगे और जो सेकंड नंबर होता है वो y x2 y2 ही होता है। तो फ्रेंड यहां पे ए बी लिखा है मैंने तो यहां पे जो पॉइंट होंगे ये कोऑर्डिनेट ये x1 y1 यही होंगे, ठीक है फ्रेंड। करते हैं फ्रेंड क्वेश्चन को, तो ए बी फ्रेंड कितना x1 माइनस में x2 3 माइनस में 6 का होल स्क्वायर प्लस y1 minus y2, y1 minus में y2, 4 minus 7 का square, फ्रेंड करते हैं, plus minus minus, minus के 3 बचेंगे फ्रेंड आपके पास, यहाँ पर minus के 3 का whole square, और यहाँ बचेगा फ्रेंड minus का 3 आपको यहाँ भी बचेगा, ठीक है फ्रेंड, कोई दिक्कत नहीं है। तो फ्रेंड ये आपका आ जाएगा 3 का square 9 और यहाँ पे 3 का square 9, minus तो फ्रेंड positive हो जाएगा square में और ये आपका फ्रेंड आ गया root 18, फ्रेंड इसको फैक्टराइज कर सकते हैं, आप बताया था मैंने आपको 18 के फैक्टर कितने होते हैं फ्रेंड आपके 3 into 2 3 किया 9 18 तो 3 के पेयर बन गए आपके ये बाहर निकल जाएगा 3 root 2, ठीक है फ्रेंड आपकी ए की वैल्यू आ गई है। ऐसे फ्रेंड आप बी सी सॉल्व करेंगे बी सी, तो फ्रेंड अब बी सी कर लो तो एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू, ठीक है फ्रेंड कोई दिक्कत नहीं है। एक्स वन 6 माइनस 9 का होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस में 4, ठीक है फ्रेंड मतलब कि y1 माइनस में y2 फ्रेंड x1 माइनस में x2 y1 माइनस में y2 फ्रेंड भाई प्लस माइनस 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 के 3 बचेगा यहां से और यहां से फ्रेंड आपका माइनस का 3 बचेगा तो फ्रेंड ये भी आपका 18 हो जाएगा और ये भी आपका निकल के 3 root 2 हो जाएगा। फ्रेंड आपको BC भी आ गया, अब फ्रेंड आपको निकालना है CD AB BC CD,
फ्रंट यही फॉर्मूला सेम, अब x1 y1 ये है, x2 y2 ये है आपके, ठीक है ना कोऑर्डिनेट्स। तो 9 माइनस में 6 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस में 1 का होल स्क्वायर। तो फ्रेंड 9 से 6 3 बचे 3 का स्क्वायर, और फ्रेंड यहां पे 4 माइनस 3 बचे 3 का स्क्वायर। फ्रेंड ये भी आपका 18 ही आ जाएगा, और ये भी आपका 3 रूट 2 ही आ जाएगा, ठीक है ना। तीन साइड निकल चुकी है फ्रेंड, अब लास्ट बची आपकी AD। AB निकालते हैं, BC CD और AD बचा है। तो फ्रेंड x1 y1 x2 y2 x1 माइनस में x2 3 माइनस में 6 3 माइनस में 6 प्लस y1 माइनस में y2 4 माइनस 1 फ्रेंड प्लस माइनस 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 का साइन बड़ा तो माइनस के 3 बच जाएगा आपके पास आपको, और 4 करेंगे 3 बचा 3 का स्क्वायर। और फ्रेंड ये भी आपका सेम, और रूट 18 ही आ गया, और ये आपका 3 रूट 2 आ गया। फ्रेंड आपने सारी साइड सिमिलर आ गई है, देखो ए भी आपकी 3 रूट 2 आई है, बी सी भी आपकी 3 रूट 2 आई है, सी डी आपकी 3 रूट 2 आई है, और ए डी भी आपकी 3 रूट 2 आई है। आपने साइड तो सारी प्रूफ कर दी है कि आपकी सारी साइड तो इक्वल आ रही है, बट क्या फ्रेंड आपकी एक डायगोनल भी इक्वल आ रहे हैं? आपने साइड लगा दी है कि सब साइड इक्वल आ रही है, अब डायगोनल भी आपको प्रूफ करना पड़ेगा कि डायगोनल इक्वल आ रहे कि नहीं आ रहे। अगर आपके डायगोनल इक्वल आते हैं तो फ्रेंड आपका स्क्वायर हो जाएगा। चेक करते हैं फ्रेंड एक बार डायगोनल को, थोड़ा रफ कर लेते हैं। तो फ्रेंड डायगोनल आते हैं आपके बीच में, तो ये डायगनल आपका एसी डायगनल, ये आपका बी डायगनल। तो सॉल्व करते हैं फ्रेंड डिस्टेंस बाय एसी के बीच में, एसी डायगनल डायगनल क्या फ्रेंड एसी, तो एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू सॉल्व करें फ्रेंड, थ्री माइनस में सॉरी नाइन था नाइन डिस्टेंस बाय एसी, एसी एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू एक्स वन माइनस में एक्स टू x1 x2 ठीक है प्लस y1 4 माइनस में 4 4 माइनस में 4 कोई दिक्कत नहीं फ्रेंड आगे बढ़ते हैं। 3 माइनस 6 माइनस के 3 माइनस 9 प्लस माइनस 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 का 6 बचेगा, और प्लस यानी यहां पे 0 का स्क्वायर, और ये बच जाएगा आपके पास 6 का स्क्वायर 36, और ये स्क्वायर रूट बाय 6 ठीक है ना। आपने ए से निकाल लिया, अब निकाल लो फ्रेंड ऐसी BD, सेम BD करते हैं डायगोनल डायगोनल BD। तो फ्रेंड भाई x1 y1 x2 y2 तो 6 माइनस 6 प्लस y2 माइनस y1 7 माइनस 1 0 फ्रेंड 0 का स्क्वायर, और 7 में 6 6 का स्क्वायर 36, और फ्रेंड ये भी 6। तो देखिए फ्रेंड हमारे चारों साइड सेम आए, और दोनों डायगोनल फ्रेंड क्या है सेम आए, तो चंपा इज करेक्ट, चंपा इज करेक्ट, दिस इज स्क्वायर स्क्वायर। फ्रेंड बाकी जो इसके क्वेश्चंस रह गए हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे फ्रेंड। थैंक यू फ्रेंड।